टीआरएस कॉलेज के छात्रों ने दी अपने साथी को श्रद्धांजलि। आरोपी छात्र की गिरफ्तारी के लिए निकाला कैंडल मार्च। जैसा कि आपको मालूम ही है, संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय टीआरएस कॉलेज में भरी दोपहर हजारों छात्रों के बीच एक छात्र नितिन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छात्रों ने पूरा दोष कॉलेज प्रबंधन और पूर्व उपाचार्य रामलला पर मारा था। कॉलेज के छात्रों ने अपने साथी नितिन के हत्यारों की गिरफ्तारी और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व संध्या पर स्वामी विवेकानंद पार्क से शिल्पी प्लाजा मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला। हम आपको बता दें कि छात्र क्या चाहते हैं, उसके पूर्व आप जान लें, शायद यह पहला मौका होगा जब हम आप सब यह मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो जो भी कह रहे हैं वह होना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं नितिन के साथी क्या चाहते हैं। भैया, हम लोग छात्रों के लिए बहुत दुखद है जो घटना हुई। हम लोग इससे बहुत आहत, टूटे हुए हैं अंदर ही अंदर। ये केवल कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनकी लापरवाही के कारण हुआ है। इनमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है हमारे कॉलेज में। लड़के बिना ड्रेस के, बिना आई कार्ड के कॉलेज में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ के जो हिडाक के टीचर हैं, यहाँ तक कि वो भी बिना किसी योग्यतावान, कोई इनकी योग्यता नहीं है, उनके कॉलर खुले रहते हैं, वो खुद अपराधी के रूप में दिखाई देते हैं। ये हाल है टीआरएस कॉलेज का। मेरे को खुद ये बुरा लग रहा है कि मैं अपने कॉलेज का बुराई कर रहा हूँ। मेरे को खुद इस बात की बुराई मेरे अंदर खुद कमी लग रही है कि मैं अपने कॉलेज के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। पर जो है स्थिति वही है, मैं वही आपके सामने बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अब कॉलेज प्रशासन की नींद खुलेगी, पुलिस प्रशासन की नींद खुलेगी और इस बारे में सोचा जाएगा, एक निर्णय निकाला जाएगा, एक सही रास्ते पे बच्चों को ले जाना है और उनको शिक्षा और हाथ में कलम ही मिले, बंदूक वो न उठाएं। इसका अपन को और कॉलेज प्रशासन को ये रास्ते पे चलना है। कल हमारे टीआरएस कॉलेज के बीएससी प्रथम वर्ष के नितिन सिंह गहरवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये हम सब की दिलों में नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाली एक घटना है। ये कॉलेज प्रशासन की ओनली ओन लापरवाही के कारण हुआ है। अगर पहले से कॉलेज प्रशासन ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाया होता कि कोई भी लड़का कॉलेज के अंदर बिना यूनिफॉर्म, बिना आई कार्ड, और कॉलेज प्रशासन को ये पूरी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को पूरी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बाहरी लड़के अंदर न जाएं, और एक मेन गेट होना चाहिए। और कॉलेज में जो ये टीचर हैं, तो टीचर का भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, उनकी भी आईडी कार्ड होना चाहिए। इनकी अव्यवस्था कारण कल उसकी हम सबके भाई की जान चली गई, अब हम सबके बीच में वो नहीं है। अभी छात्रों ने ये जो अभी घटनाक्रम हुआ है, इसके लिए आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। इसके लिए पहले भी यहाँ कॉलेज प्रशासन से कई बार मांग की थी कि यहाँ पुलिस चौकी स्थापित की जाए, लेकिन बात नहीं सुनी गई और आज जो हम लोगों के सामने है, बहुत दुखद है। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के कॉलेज प्रशासन के जो हमारे बड़े हैं उनको लेनी चाहिए और उनको नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। उनके परिजनों को बहुत दुख है, हम सब उनके साथ हैं।